गवर्नमेंट ऑफ इनर्सिया लिख लीजिए भाई, टॉर्क एंड ये रिलेशन अभी एक्चुअल में रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अभी टॉर्क क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या था, एम आर स्क्वायर, भी याद है ना, एम आर स्क्वायर। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है अभी, तो पहले तो टॉर्क ही निकाल लेते हैं भाई। एक बार लिखिए दोबारा से जो नहीं लिखा हुआ था, वी हैव ए बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स, वी हैव ए बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स ऑफ मास M1, M2, M3 up to Mn, यही थे? Yes, sir. Having perpendicular distance R1, R2, Rn from axis of rotation, यही था? Yes, sir. And body moving in a circular path. Body moving in a circular path with angular acceleration alpha, ये velocity omega, angular acceleration alpha भी। हमने डायग्राम ये बनाया था आपको कि एक बॉडी घूम रही थी इस एक्सिस के अराउंड, बॉडी के पास n पार्टिकल्स थे, अरे का मास सेम था क्या, नहीं था, सेम नहीं था। डिस्टेंस r1 ले लेते हैं, m2 की डिस्टेंस r2, और mn की डिस्टेंस भी rn, और बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है। इसके अकॉर्डिंग आपको टॉर्क निकालना है और मोमेंट ऑफ इनर्सिया का रिलेशन करना है अभी, यही था। तो टॉर्क ऑफ फर्स्ट पार्टिकल्स भी, टॉर्क का फार्मूला होता है भाई, टाउ वन इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी। तो फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है, और डिस्टेंस किसका यूज कर रहे हैं, फर्स्ट का भी यूज कर रहे हैं, एफ वन आर वन भी, यही था। फिर हमने बोला था कि फोर्स को मैं कुछ ऐसे ले सकता था, फोर्स एफ वन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन भी, मास इंटू एक्सलरेशन, यही था, यस और नो। और आपको ये भी पता था कि एक्सलरेशन में और एंगुलर एक्सलरेशन में रिलेशन था भी अल्फा के अंदर भी, तो कितना रिलेशन था, ए वन इज इक्वल टू आर वन एल्फा ले सकता था भी, आर वन एल्फा भी, पुटिंग द वैल्यूज भी। तो एफ वन की वैल्यू कितनी हुई, F1 is equal to कितना होगा, M1 R1 alpha भी, A1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, R1 alpha भी, क्योंकि मेरे को किस टर्म में डालना सारा, एंगुलर की टर्म में डालना है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, M1 R1 alpha भी कर पाओगे। अब टॉर्क tau1 कितना होगा भी, इसके अकॉर्डिंग भी F1 कितना है, M1 R1 alpha into R1 भी, सही है, यस और नो। तो टाउ वन कितना हुआ, एम वन आर वन स्क्वेयर एल्फा वे, सही है कि नहीं है, कर लोगे। तो हो गया फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क भी, इसी तरह से सेकंड का निकालना है, थर्ड का एन तक जाना है मेरे को। तो टाउ सेकंड कितना होगा भी, ये टाउ वन है भी, टाउ टू कितना होगा, M2 R2 स्क्वेयर अल्फा भी। इसी तरह से टाउ थ्री कितना होगा, M3 R3 का स्क्वेयर अल्फा भी, और टाउ n कितना होगा, M n R n का स्क्वेयर अल्फा भी। नेट टॉर्क कितना होगा भी, टोटल टॉर्क टाउ ले लेते हैं, जोड़ दें सभी को, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस सोन भी टाउ एन, पुटिंग द वैल्यूज भी, टाउ इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वेयर एल्फा प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर एल्फा एंड सोन भी, एम एन आर एन स्क्वेयर एल्फा भी, सही लिखा मैंने। यहाँ से कॉमन क्या रहा अभी, जोड़ना तो है, बाई यूजिंग समेशन जोड़ ले, यस और नो। टाउ इज इक्वल, चेंज क्या हो रहा है, एम वन चेंज हो रहा है, आर वन चेंज हो रहा है, अल्फा तो सभी में सेम है, दो सेम हो चेंज नहीं, उसको कुछ नहीं डालना, जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कैसे लिखते हैं हम लोग, समेशन इज इक्वल टू समेशन इनटू एम आई आर आई स्क्वेयर, आई कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है अभी, वन से लेके एन इनटू अल्फा, सही लिखा है भाई,
जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ समेशन विद द लिमिट हम जोड़ सकते हैं, ये आपको याद हो ना, ये फार्मूला था भाई आई का भी, इट इज फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी। तो व्हाट इज द टॉर्क आई अल्फा भी, इट इज द फार्मूला और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी। तो वेयर आई लिख दो कितना है, किसको माना आई, लोगों ने आई है ये आई फ्रॉम वन टू एन, किसको एम आई आर आई का स्क्वायर भी, समझ में आई कि नहीं आई भी? कर लोगे? अगर आप इसको कंपेयर करवाओ ना फोर्स के साथ भी, फोर्स क्या था कुछ याद है? फोर्स था मास इनटू एक्सेलरेशन भी। मैं बोला कि फोर्स का काम कौन कर रहा है अभी, टॉर्क कर रहा है अभी, एक्सेलरेशन का एंगुलर कर रहा है, तो मास का कौन कर रहा था, ये बता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा होता अभी। लिखवा था मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉजी ऑफ मास भी, या सर ना? तो हर जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं सारे हम चेंज करने हैं, हमको भी सब कुछ चेंज करना है। फोर्स भी आ गया टॉर्क की टर्म में, कर लोगे? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अभी, टॉपिक पूरा हो गया, नेक्स्ट लिख लीजिएगा, रब करते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया में रिलेशन क्या है, चेक करना हमको। जिस तरह से लास्ट टाइम लोगों ने किसका यूज किया था, टॉर्क को यूज किया था निकालते हुए, अभी अब किसका यूज कर लेंगे, एंगुलर मोमेंटम को यूज कर लेते हैं। यस आर नो? व्हाट इज सिंबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम भाई, उसको एल से लिखते थे हम लोग, एल क्या था, आर इन टू पी। यस आर नो? याद है कि नहीं है? तो अगर जिस तरह मैंने टॉर्क को किया था फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से किया था, हम एल को करेंगे मोमेंटम इन टू डिस्टेंस भी। मोमेंटम कौन सा, सिंपल वाला भी। अरे कुछ याद है कि नहीं है? एल का फार्मूला क्या था, आर इन टू पी था अभी, तो पहले मेरे को पी लेके आना पड़ेगा, इसका फोर्स लेके आए हम लोग। यस और नो? पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मेरे को पता होना चाहिए वेलोसिटी कितना है पहले, मास कितना है पहले। यस और नो? लिख लीजिए फिर, लिखिए वी हैव ए बॉडी, वी हैव ए बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स, वी हैव ए बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स ऑफ मास m1, m2 अप टू mn, m1, m2 अप टू mn, ओके, एंड r1, r2, rn आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from axis of rotation, perpendicular distance from axis of rotation, okay, and body move, या body rotate लिखिएगा, body rotate with angular velocity omega v, body rotate with angular velocity omega, body घूम रही है भाई, कर लोगे? देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, ये बॉडी मान लेते हैं, कोई भी शेप की बॉडी हो सकती है, ये मास m1 है भाई, फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है r1, m2 है भाई मास, कितना डिस्टेंस r2, इस तरह से mn ले लेते हैं, कितना डिस्टेंस है rn, ये बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है इसके अराउंड भी, किस वेलोसिटी से, ओमेगा से। समझ में आया कि नहीं आया अभी? तो हमको पहले से शुरुआत करना है किसके साथ भाई, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम से शुरू करना है टॉपिक, कर लोगे? तो लिख लीजिएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेम टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एल क्या होता है भाई, एल वन ले ले, इट इज आर वन इंटू पी वन भी, फार्मूला होता है भाई एंगुलर मोमेंटम का, डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम पी वन, ओके। और पी वन क्या होता है, पी वन था मास इनटू वेलोसिटी,
मास इंटू वेलोसिटी, कर लोगे। अब सिंपल वेलोसिटी में और एंगुलर में कुछ रिलेशन था, हम लिखे थे कि वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, भाई चेक कर लो आर ओमेगा। अगर ये फर्स्ट की है तो फर्स्ट की डिस्टेंस, फर्स्ट की वेलोसिटी, ओमेगा तो सेम रहेगा दोनों के लिए, यस और नो? पुटिंग द वैल्यू, पी वन कितना आएगा भाई, एम वन, वी वन कितना है, आर वन ओमेगा, देख लो V1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, R1 ओमेगा सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1 भाई, L1 में क्या है, R1 into P1 है, R1 into P1 कितना है, M1 R1 ओमेगा, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा भाई, सही लिखा है। इट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरह से क्या निकाल लेते हैं, सेकेंड का, थर्ड का एंड सोन, भी निकालो फिर, रब कर एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा, इसी तरह से एल थ्री एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर ओमेगा एंड सोन। एल एन कितना होगा भाई, एम एन आर एन स्क्वेयर ओमेगा, भी हर एक का निकाल लेते हैं। अब पूरे के लिए क्या कर देते हैं, टोटल निकालने के लिए जोड़ देते हैं इसको, टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एल बराबर है एल वन प्लस एल टू प्लस सोन वे एल एन, सही है। पुटिंग द वैल्यूज भी, L1, L2, L3 एंड सो ऑन। L1 कितना भाई, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन, MN RN स्क्वायर ओमेगा, ओके भाई जोड़ना अभी आपको बाय यूजिंग समेशंस भी। तो L बराबर है कितना भाई, समेशन एम आई आर आई स्क्वेयर आई फ्रॉम वन टू एन इन टू ओमेगा, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा, सभी में सेम है ओमेगा, ये चीज़ लिखने आ रही है अभी आपको एन पार्टिकल्स के लिए भी। ये तो क्या है, आई है भी, यस और नो? तो एल का वैल्यू कितना भाई, एल बराबर है आई ओमेगा भी, यस और नो? वेयर आई इज समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई आर आई का स्क्वायर, सही है। टॉपिक कंप्लीट। अब एंगुलर को अगर मैं रिलेट करता हूँ सिंपल से, सिंपल में क्या था भाई, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये कौन सा है, एंगुलर है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये कौन सा है, लिनियर मोमेंटम, ये सिंपल वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये मास है, ये भी मास है, कितना रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आपको, हर बार वही बन रहे हैं टॉपिक सारे भी। अगर आप ये पॉइंट याद रखो ना कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सारी यूनिट आपकी अपने आप होती हैं सारी, कुछ भी बना लो फिर वहाँ से आप उठा के, कोई फॉर्मूला बना लीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस यही था भाई, एक और कर लो रिलेशन, लिख लीजिए नेक्स्ट, लिखिए अभी मैंने एक रिलेशन किया था अभी, लिख लीजिए, इतना हो गया, दोनों में रिलेशन करना हमको, लिखो एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम इज, एल क्या था भाई, अभी क्या था, आई ओमेगा भाई, क्या था ना, आई ओमेगा, लिखो भाई, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी, differentiate this equation with respect to time, करो differentiate भी, dl by dt, yes or no? और d by dt i omega, मैंने आपको बोला था कि i constant होता है, ठीक है?
अगर आप यू इंटू वी से करोगे तो बी आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा डी आई बाई डी टी। हम जब कॉन्स्टेंट को क्या करते हैं बाहर निकाल सकते हैं, यस सर ना, डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, डी एल बाई डी टी कितना हुआ आई डी ओमेगा बाई डी टी। अगर आपने देखा ना तो डी एल बाई डी टी भी टॉर्क था, अभी कई रिलेशन आए हैं डी एल बाई डी टी के, भी ये क्या एक्चुअल में टॉर्क है, अभी चेक कर लो लास्ट जिन्होंने टॉर्क किया उसी टाइम से डी एल बाई डी टी आ रहा है ये, ठीक है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या बन रहा है अभी, आई व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी, एल्फा भी एल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव किया गया है, इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, हो गया कंप्लीट। अब इसको किससे करते हैं रिलेट है, फोर्स से करते हैं, फोर्स ही तो है ये, क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का काम कौन करता है टॉर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन का एंगुलर कर रहा है, तो मास का मोमेंट इनर्शिया कर रहा है, समझ में आई बात है, कर लोगे। तो ये थे कुछ रिलेशंस भी, देखो दोबारा लिखवा रहा हूँ सारी चीज़ें मैं। डिस्प्लेसमेंट का कौन काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा था, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद है। वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी यही था ना भाई, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी, फोर्स का टॉर्क कर लोगे, सिंपल मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम भी कर लोगे, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको ये चीज़ याद हैं तो कब कुछ भी फॉर्मूला बना लीजिए, इन एंगुलर में भी, एंगुलर में अगर अगर आपने कुछ टर्म दे रखी हैं आपको, जिस तरह मान लेते हैं आपको फोर्स ही दे रखा है, फोर्स याद है आपको, आपको टॉर्क का फॉर्मूला बोल गए, टॉर्क का फॉर्मूला बोल गए आप, टॉर्क में क्या फॉर्मूला मेरे याद नहीं आ रहा अभी, फोर्स का याद है ना, फोर्स क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन, देख लो इसका क्या क्या टॉर्क दो, इसकी जगह पे आई लिख दो, इसकी जगह पहले लिख दो, बन गया फार्मूला भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप इसमें फार्मूले भूल जाते हो तो आपके वो फार्मूले याद होने चाहिए पहले वाले, और उसमें इस टर्म को चेंज कर दो सारों को, वही फार्मूले इसमें भी, समझ में आया कि नहीं आया। इसे हमने प्रूव भी किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया था, याद है ना सभी को, हमने जो वहाँ पे तीन है वहाँ पे मैंने शो किया, मैंने न्यूटन लॉज को बताया, यहाँ पे न्यूटन लॉज तीन होते हैं भाई, इस टर्म में भी होते हैं। तो सारा जो आपने पढ़ा हुआ है लीनियर सिस्टम के अंदर, आप इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, सारा रोटेशनल में पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ फर्क है भाई, फर्क दूंगा क्या है अभी, हो गया। यस बी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन के चार लॉज थे, मैं बार बार बोलता हूँ, पहला था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने पढ़ा होगा, जो हम लॉ पढ़ते हैं कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं, टोटल हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। पहला था कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, और बोलता था कि एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ना तो उसको बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही था ना। उसके बाद अब एक कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ा था हम लोगों ने, कि मोमेंटम बिफोर मोमेंटम आफ्टर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, यस और नो। एक कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज भी आएगा प्लस प्लस के अंदर, टोटल चार्ज में क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है, एक ये भी है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलता है देखो, इट स्टेट दैट टोटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट भी, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर द सिस्टम दोबारा सुनिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर द सिस्टम व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो मोमेंटम तो कौन सा मोमेंटम चेंज होगा, एंगुलर वाला भी कर लोगे। देखिए लास्ट टाइम लगे टॉर्क का रिलेशन क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू कितना था भाई, डीएल बाई डी टी, यस और नो, इसमें लिखवाया गया है
कि वेन टाउ इज जीरो भी, अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो क्या होगा, डीएल बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा, डीएल बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, किसी का डेरिवेटिव जीरो कब होता है भाई, जब वो कांस्टेंट हो, तो एल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, जीरो भी कांस्टेंट होती है, हो गया प्रूफ, एल क्या है, कांस्टेंट है। यानी आपका मोमेंटम, जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, कंजर्वेशन यूज करते हैं, तो अगर जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा, मेरे साथ जीरो आएगा आंसर, जीरो कभी चेंज नहीं हो सकती भी। यानी अच्छी सीधी बात ये है कि एल वन प्लस एल टू प्लस ऑन एल एन जीरो होगा कब, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ये कोई चेंज ही नहीं हुआ उसके अंदर, समझ में आई बात है। कंजर्वेशन जब भी निकालोगे, नेट कितना हुआ, जीरो होगा, टोटल में से क्या होगा, जीरो, ये कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप क्या करो, इस लाइन के बच्चे उठ के यहाँ पर बैठ गए भाई, क्या नंबर ऑफ यूनिट चेंज हुए, नहीं हुए, कर लोगे यहाँ पर सिस्टम क्या था, कंजर्व हो जाएगा, टोटल चेंज कितना हुआ, जीरो, यस सर ना, टोटल नंबर स्टूडेंट में कितना चेंज हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, इट इज जीरो, टोटल जीरो अभी कितने हैं, वही हैं जो पहले थे। ये है आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगल, बस इतना ही कर लोगे। अब इसका यूज करना, अभी देख लीजिए, सब टॉपिक का नाम है सम एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम, बहुत ही एग्जाम्पल है। आप लोगों ने देखा होगा जो स्विमर होते हैं, अभी स्विम करते हैं, एक हाइट से जंप करते हैं, यस और नो, जब वो जंप करता है ना, अपनी बॉडी को सिकुड़ लेता है अभी, रोटेशन करता हुआ नीचे आता है, देखा हुआ, यस और नो। अगर मैं एल की बात करता हूँ, मेरा एल का फार्मूला होता है आई ओमेगा भी, तो यही था ना कल, आई ओमेगा, मास इनटू वेलोसिटी के टर्म में, आई ओमेगा, आई तो एल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बोल रखा है हम लोगों ने, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, एल कांस्टेंट रहेगा, आई और ओमेगा तो चेंज हो सकते हैं, ये चेंज ऐसे होंगे कि इसका आंसर चेंज ना हो, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है, सिक्स आंसर होना चाहिए अभी, ये टू क्रॉस कर सकता हूँ, ठीक है, अगला भी आंसर सिक्स ही होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको चेंज कर दूँ, ये थ्री कर दूँ, तो अपने आप चेंज करना पड़ेगा मेरे को अपने आप, या सर ना, अभी आंसर चेंज नहीं कर सकते हम, ये तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, अभी इनको चेंज कर सकते हो, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए उनका भी, सही होना चाहिए, कर लोगे। अब क्या बोल रहे हैं कि एल तो कांस्टेंट रहेगा, अब एक स्विमर क्या करता है, जब जंप करता है उसके बाद अच्छा खुले होते हैं उसके भी, गिरे ना वो, जब जंप करता है तो अपनी बॉडी में क्या करता है, छूट लेता है, उससे क्या हो जाता है, देखो मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ, ये मेरी एक्सिस रोटेशन है, और ये पॉइंट यहाँ पे आर बढ़ गया, ओके, अगर आर बढ़ेगा तो व्हाट इज इनर्सिया, इनर्सिया होता है एम आर स्क्वायर, यस आर नो, अगर डिस्टेंस आर बढ़ गया तो मेरा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कर लोगे, अगर आई बढ़ गया तो ओमेगा कम होना चाहिए, तब जाके एल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यस आर नो, जब दूर ऐसे खड़ा होता है तो गिरता नहीं है वो, फिर जब जंप करता है उसको गिरना होता है, घूमता हुआ, तो क्या करता है, बॉडी को सिक्योर लेता है, तो जो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम होने से आई की वैल्यू बढ़ जाती है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, बॉडी की स्पीड बढ़ जाती है, और वो जब हाइट से गिरता है ना, जितनी जल्दी दीवार चक्कर लगाएगा उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे उसको भी, यस आर नो। तो स्विमर क्या यूज़ करता है, इस प्रिंसिपल को यूज़ करता है, वो बोलता है कि इसको अगर उसकी बॉडी को सिक्योर लेगा तो उसका इनर्सिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए वो रोटेशन करता होना चाहिएगा भी। समझ में आया कि नहीं आया, तो पहले एग्जांपल लिखिएगा, लिखिए स्विमर, स्विमर स्ट्रेच इट्स हैंड, स्विमर स्ट्रेच इट्स हैंड सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज रिड्यूस, so that moment of inertia is reduced, moment of inertia क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, and angular velocity is increased, and angular velocity is increased, समझ में आई बात है, ये फॉर्मूला लिख सकते हो आप लोग, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा और आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर,
दोनों लिख दो इसी टॉपिक में भी, इसी पॉइंट में बार बार यूज करेंगे इन फार्मूलों को हम लोग। पहला एग्जाम्पल समझ में आया भाई? सेकेंड एग्जाम्पल लिखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल है अर्थ और सन का भी। अर्थ और सन कैसे घूमते हैं क्लास, सर्व करते हैं इसको भी। देखिए आपको पता है कि सन सेंटर पे नहीं है भाई, और अर्थ जो घूम रही है वो पाथ कौन सा है, इलेप्टिकल पाथ में घूम रही है, इट इज नॉट इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये होता है इलेप्टिकल पाथ, इस तरह का अंडाकार से बोलते हैं, समझ में आया। इसका सेंटर नहीं होता भाई, इसके फोकाइज होते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे कहीं पे होता है। तो सन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसके एक फोकाइज पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, ये सन है और ये अर्थ है, अभी यहाँ पे मान लेते हैं। अर्थ की पोजीशन एक तो ये है ए पॉइंट के ऊपर, एक अर्थ की पोजीशन भी यहाँ पे आ गई, इट इज बी पॉइंट, क्योंकि अर्थ लगातार घूम रही है, इट इज इन द रोटेशनल मोशन में। यस और नो? अब जब अर्थ यहाँ पे है, उसका स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है कि यहाँ पे कम है, या स्पीड बराबर है, बराबर हर जगह पे स्पीड का? यस और नो? अब देखिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती। जब ये सन के राउंड घूम रही है, ये इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सन से पास करेगी, आर बढ़ गया, आर ज़्यादा है, तो इस पोजिशन ए पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, और घूमने की स्पीड क्या होगी इसकी, कम हो जाएगी। एल की वैल्यू सेम रहेगी, क्या था, आई ओमेगा भी। ए पॉइंट पे इसका इनर्सिया ज़्यादा होगा भी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, लेकिन इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब ये नज़दीक जा रहा है इसके भी, नज़दीक जा, यहाँ पे चला गया, आर कम हो गया, यस और नो? आर कम हो गया तो इनर्सिया कम हुआ, तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है एकदम से, अरे सन के नज़दीक होगी तो जला देगा सब कुछ भी, अरे नज़दीक रही थी अर्थ उसके, समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे सन ऐसे घूमती है अर्थ, ऐसे यहाँ पे फिर ऐसे स्पीड क्या होती है, कौन सी स्पीड होती है अर्थ की, समझ में आया? किसकी वजह से सिर्फ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम की वजह से, कमाल की बात नहीं, एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है इस पास, कोई इंजन नहीं लगा रहा, और उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, अपने आप कम हो रही है, और यहाँ पे आगे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर कम, ऐसे घूमता है सर ऑब्जेक्ट, समझ में आई बात है? नज़दीक जाएंगे तो इनर्सिया कम होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एल तो वही रहेगा, यस और नो? लिख लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल्स पे, व्हेन अर्थ, ऐसा लिखिए, सिंपल लिखिए, अर्थ रोटेट अराउंड द सन, अर्थ रोटेट अराउंड द सन इन इलेप्टिकल पाथवे, अर्थ रोटेट अराउंड द सन इन इलेप्टिकल पाथ। ओके, इसी में लिखो, व्हेन अर्थ इज क्लोज टू द सन, व्हेन अर्थ इज क्लोज टू सन, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज लेस, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज लेस, सही है? सो इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज हाई, सो इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज हाई। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर लोगे? एनी प्रॉब्लम भाई? दूर जाएंगे तो इनर्सिया बढ़ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घूमने की स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, नदी की सतह क्या हो रही है, बढ़ रही है, दूर तो घट रही है, कर लोगे? समझ में आया? ये हमने, अगर आपने नंबर 6 याद हो, हमने करवाई थी कैपिलर्स ला करवाया था अभी, इसमें हमने बोला कि जो एरिया कवर कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पे सेम टाइम में एरिया की वैल्यू क्या थी, बराबर थी भी, इसी वजह से भी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या अलग थी भी। कर लोगे? नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, बहुत से एग्जाम्पल है हमारे पास भी। नेक्स्ट डालिए, आपने टोर्नेडो देखा होगा, टोर्नेडो, ठीक है, टोर्नेडो की स्पीड ज़्यादा कहाँ पे होती है अभी? टोर्नेडो घूम रहा है ऐसे अभी, पूरा सर्कुलर टोर्नेडो को देखा होगा, टोर्नेडो हमारे यहाँ पे कम आते हैं,
यूएस में बहुत बड़े बड़े आते हैं, जब वो आता ना टर्न बोलते हैं पूरे पूरे शहर खाली हो जाते हैं अभी वहाँ से, क्योंकि जो स्पीड होती है हवा की बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें जो पार्टिकल घूम रहा है ना उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है। फिर कर लोगे, अब उसमें क्या क्या घूम रहा है, देखो पानी, पानी का बहाव तेज़ हो जाए तो आदमी डूबता नहीं। अभी अभी कल परसों टूटा था ग्लेशियर, टूटा था, लोग बह गए भाई। सेम कुछ साल पहले घटना हुई थी ऐसे ही, लोग मरे क्यों, मरते क्यों, पानी में कोई मरता भाई, उनको तैरना आता है, लोगों को पानी में मरेंगे नहीं वो, पानी का तो और भी कुछ है भाई उनके साथ, अगला पानी थोड़ी है, मिट्टी भी है, पत्थर भी हैं, पहाड़ भी हैं, सब कुछ बैग ले रहा है, वो मारती हैं पीस के भी, पीस जाता आदमी बीच में। टोर्नेडो होता है ना, हवा से कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, अब उसमें क्या पेड़ भी घूम रहे हैं, पत्थर भी घूम रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है अभी इस हवा में, वो मारता है। इसलिए क्या करते हैं पूरे पूरे शहर खाली कर देते हैं, सिस्टम करना है। टोर्नेडो के अंदर क्या होगा, टोर्नेडो में देखो स्पीड ज़्यादा कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी कि इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी। अब ए पॉइंट पर देखिएगा, ए पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, कम है, आर की वैल्यू कम होगी, इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर कम हुआ इनर्शिया कम होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी। दूर करोगे आर बढ़ जाएगा, इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टोर्नेडो में हाईएस्ट स्पीड कहाँ पे होती है, उसके सेंटर पे होती है हवा की। कर लोगे ठीक है, लिख लीजिए इन टोर्नेडो, लिख दोगे टी ओ आर एन ए डी ओ, इन टोर्नेडो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ विंड, ये स्पीड कौन सी बात, स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, एंगुलर स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ विंड इज हाईएस्ट, इज हाईएस्ट एट इट्स मिडल वे, एट इट्स मिडल बिकॉज एट दैट पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज स्मॉल, मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज स्मॉल एंड एंगुलर वेलोसिटी इज हाई, एंड एंगुलर वेलोसिटी इज हाई। उस पॉइंट पे क्या होती है स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है, कम होती है वहाँ पर। कर लोगे नेक्स्ट एग्जांपल्स बहुत हैं भाई इस तरह के एग्जांपल्स, एक और एग्जांपल करते हैं, ये कितने हो गए भाई, तीन। आप लोगों ने देखा होगा बिल्ली जब जम मारती है भाई, हमेशा अपने पैरों पर आती है, अगले वाले पैरों पर, यस सर नो, कभी देखा है कि बिल्ली और के पीछे कुत्ता भाग रहा है, छत से कूद गए भी हो, बिल्ली जब छत से कूदती है ना, कूदती है तो अपनी बॉडी को फैला लेती है अभी, बॉडी फैलाने से क्या होगा, उसका आर बढ़ जाएगा अभी, आर बढ़ने से क्या होगा, इनर्शिया बढ़ जाएगा, इनर्शिया बढ़ने से क्या होगा, ओमेगा कम हो जाएगा, फिर घूमने स्पीड कम हो जाएगी, तो उड़ती हुई आती है वो एक्चुअली, और वैसे अपने पैर पर आती है, कुत्ते को और जम मारता है, और बैठी को स्क्योर नहीं पाता, ठीक है, तो उसका ओमेगा बढ़ जाता है अभी, वो घूमता हुआ आता है। समझ में आया कि नहीं आया, पता नहीं कैसे लगता है नीचे आके। बिल्ली में से क्या करती है, अगले पैरों पे आती है हमेशा, ये बिल्ली की खासियत है।